दर्शकों आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज के देश के कोरोना आंकड़ों से। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8013 नए मामले, 119 लोगों की मौत। भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों की यात्रा करेंगे केंद्रीय मंत्री। महाराष्ट्र में अस्पताल से डिस्चार्ज हुए नवाब मलिक थोड़ी देर में ईडी कार्यालय में हो सकते हैं पेश। कर्नाटक के शिवमोगा में एक सप्ताह के बाद खुले स्कूल कॉलेज, बजरंग दल कार्यकर्ता की मौत के बाद बरपा था हंगामा। दिल्ली वालों को बड़ी राहत, आज से नाइट कर्फ्यू सहित सभी कोरोना पाबंदियां होंगी खत्म। गुरुग्राम में सीएनजी स्टेशन पर 3 युवकों की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। मणिपुर में राज्यपाल ला गणेशन ने इम्फाल में डाला वोट, आम जनता से की वोट करने की अपील। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची 5वीं फ्लाइट, 249 नागरिकों की हुई वतन वापसी। यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री का दावा, रूस के हमलों में 16 बच्चों की हुई मौत। रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए आ गया डेनमार्क, 2700 एंटी टैंक वेपन देगा। यूक्रेन संकट पर आपातकालीन सत्र बुलाने को लेकर यूएन में वोटिंग से भारत ने खुद को दूर किया। यूक्रेन मुद्दे पर 2 घंटे चली बैठक, पीएम मोदी ने छात्रों की सुरक्षा और निकासी को दी प्राथमिकता। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के साथ मारपीट, राहुल बोले अपनों को ऐसे नहीं छोड़ सकते, अर्जेंट निकाले सरकार। कन्नौज में ड्राइवर को झपकी लगने पर आगे चल रहे डंपर में घुसी बस, 40 यात्री गंभीर रूप से घायल। पंजाब में भगवंत मान बोले भारत में मेडिकल शिक्षा महंगी, मजबूरी में यूक्रेन जैसे देश जाते हैं छात्र। देश प्रदेश से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब को। अगर आप हमें Facebook या Instagram पर देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।